हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर देखिए आपका डीएसएसबी जेल बॉर्डर का एग्ज़ाम आपका 10 जून से स्टार्ट हुआ है तो 10 जून से लेकर 12 जून के एग्ज़ाम में यानी कि टोटल आपके नौ शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उसको हम देखने वाले हैं और अगर आपको इसका पी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पी प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए ज्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम हाँ अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद समी है अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के भाग चार अनुच्छेद इक्यावन ए का संबंध है तो देखिए भाग चार पूछ रहा है और आपका अनुच्छेद इक्यावन ए पूछ रहा है तो इसका संबंध आपके मौलिक कर्तव्य से है और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताइए तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी तो प्रार्थना प्रार्थना समाज की स्थापना आपके आत्मा आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था अगला क्वेश्चन था कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था तो अलाउद्दीन आलम शाह था इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दक्कन के पठार से कौन सी नदी नहीं नहीं निकलती है तो ऑप्शन आप में आपका सतलज दिया गया था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था यह आपका जो सतलज नदी है यह आपका हिमालय पार पार्क नदियाँ अगला आपका क्वेश्चन था कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो अधिकतम सीटों की संख्या आपका दो होता है अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन था कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था तो वर्ष उन्नीस सौ पारित हुआ था अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि पड़वानी पड़वानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है समानता का अधिकार संबंधित है तो समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद चौदह से ले लेकर अठारह तक है अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है तो यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो का तैंतीसवा ब्यास समान किस पुस्तक को दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यादें यादें और यादें को दिया गया है और इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के अगर आपके पुष्पा भारती है 2023 महिला, महिला में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक तिहाई सीट का आरक्षण दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संसद के तीन अंग कौन कौन से हैं तो संसद के तीन अंग आपके लोकसभा है राज्यसभा है और राष्ट्रपति है इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में उगाड़ू एक महत्वपूर्ण उत्सव उत्सव के रूप में मनाया जाता है तो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है अगला क्वेश्चन था कि हार उत्सव किस राज्य का उत्सव है तो यह आपका नागालैंड राज्य का उत्सव है अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस हिमालय क्षेत्र को शिवाली के नाम से जाना जाता है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाय हिमालय को हम कहते हैं अगला क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है तो इसका इसका संबंध आपके अनुच्छेद इक्यावन ए से है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का एक शास्त्रीय भाषा नहीं है तो ऑप्शन में आपका पाली दिया गया था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था अगला क्वेश्चन था कि बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी किताब कौन है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्राम ऑफ साइंड है अगला क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश से जुड़ी है तो इनका संबंध आपके वंश से है अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 112 क्या है तो अनुच्छेद 112 आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के, के बारे में बताता है अगला क्वेश्चन था कि अड़तीसवीं नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित होगा तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में आयोजित होगा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अठारह के कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था तो आपके बहत्तर प्रतिनिधि ने भाग लिया था अगला क्वेश्चन था कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दो किसे मिला है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साई राज रिंकी रेड्डी और आपके चिराग सेट्टी को दिया गया है इसके आगे, आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है तो विटामिन बी की कमी से होता है अगला क्वेश्चन था कि पंद्रह नवंबर को किसकी याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है तो बिरसा मुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला आपका चंद्रयान थ्री द्वारा चांद पर खोजे, खोज की जाने वाली तत्व तो कौन सी है तो वो आपका सल्फर है इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बलवंत शासक कब बना था तो बलवंत शासक आपका बारह सौ ईस्वी में बना था कोप 28 कहाँ आयोजित हुआ था तो ये आपका दुबई में आयोजित हुआ था अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 15 का संबंध किसे है तो धर्म जाति लिंग नस्ल के जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 226 क्या है तो उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य चुनाव आयोग कौन सा चुनाव कराता है तो पंचायत का चुनाव कराता है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है तो ये आपके अलुबरणी है अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि न्यासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है अगला क्वेश्चन था कि मुंडेरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था तो भोपाल गैस त्रासदी आपका तीन दिसंबर उन्नीस सौ चौरासी ईस्वी को हुआ था इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा विटामिन शरीर में बनता है तो विटामिन डी बनता है जीएसटी कब लागू हुआ था तो एक जुलाई दो हज़ार सत्रह ईस्वी को लागू हुआ था अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सऊदी अरब की मुद्रा, है? तो अरब की मुद्रा है। क्या है तो सऊदी अरब की मुद्रा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य और शासित प्रदेशों के राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है तो अनुसूची चार में बताया गया है आगे आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद एक सौ है तो अनुच्छेद एक आपका संसद में विधायकों की स्वीकृति के बारे में बताता है और अनुच्छेद एक क्या है तो अनुच्छेद एक आपका वित्तीय अनुच्छेद एक क्या है तो अनुच्छेद एक आपका धन विधेयक है और अनुच्छेद एक क्या है तो वित्तीय विवरण है अगला क्वेश्चन दिया गया था कि परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था देखिए तो परिसीमन आयोग का गठन आपका अभी तक चार बार किया जा चुका है पहली बार आपका उन्नीस में हुआ था उसके बाद से उन्नीस में उन्नीस में और फिलहाल फिलहाल आपके जो लास्ट बार हुआ है वो आपका दो, दो में हुआ है अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपका कबड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि लौफसी झील कहां पर है तो यह आपका मणिपुर राज्य में स्थित है अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनहरी क्रांति का संबंध किसे है तो इसका संबंध आपके फलों शहद और बागवानी उत्पादन से है इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जनगणना 2001 और 2011 की साक्षरता में कितने का अंतर है तो नौ दशमलव जीरो चार प्रतिशत का अंतर है टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे तो वो आपके नीरज चोपड़ा थे और देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक गोल्ड जीता था दो सिल्वर जीता था चार कांस्य मेडल जीता था यानी कि टूट कल आपके साथ मेडल जीता था और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी थी तो भारत की रैंकिंग आपका इसमें 48 नंबर पर था और पहले स्थान पर आपका चीन देश था इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोपला विद्रोह कब हुआ था तो मोपला विद्रोह आपका वर्ष 1921 इसी में हुआ था वन संरक्षण अधिनियम कब आया था तो 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी को आया था इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए तो मिथेन होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है मिथेन का सूत्र क्या होता है तो मिथेन का सूत्र आपका सी एच फोर होता है इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आम्र वर्षा किस राज्य में होती है तो आम्र वर्षा आपका केरल और कर्नाटक में होता है दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत का महिला साक्षरता दर कितना है तो पैंसठ

अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोपला विद्रोह कब हुआ था तो मोपला विद्रोह आपका वर्ष उन्नीस ईस्वी में हुआ था देखिए मोपला विद्रोह आपके दो से तीन बार पूछा जा चुका है इसे आप अच्छे से याद रखिएगा अगला क्वेश्चन था कि किसने तुगलकाबाद शहर बनाया था तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में कौन सी बोली बोली जाती है तो उत्तराखंड आपका हिंदी बोला जाता है देखिए ऑप्शन आप में आपका हिंदी दिया गया था इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी तो अप्रैल 2020 ईस्वी में किया गया था अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीनीकरणीय संसाधन है तो कोयला आपका है अगला क्वेश्चन था कि किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर आपका कर हो जाएगा दो ईस्वी में घोषित किया गया था अगला क्वेश्चन था कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध कब लड़ा गया था पंद्रह सौ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच तो बाबर और अब अब के इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में आपका बाबर विजयी रहा था अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में लूसी बोली बोली जाती है तो मिजोरम राज्य में बोला जाता है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है तो अनुच्छेद अठारह का संबंध आपके उपाधियों के अंत से है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो जब आपका संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या चौदह था फिलहाल अगर बात करें भाषाओं की संख्या तो भारत के संविधान के अनुसूची में बाईस के भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि फिलहाल आपका बाईस भाषाएं है लेकिन जब संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या आपका चौदह हुआ करता था इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंपारण किस राज्य में स्थित है तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है अगला क्वेश्चन है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था तो उन्नीस से लेकर उन्नीस तक था अगला क्वेश्चन था कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी तो दो हज़ार ईस्वी में किया गया था अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है तो कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरता है कौन कौन से राज्य हैं तो गुजरात है राजस्थान है मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है झारखंड है पश्चिम बंगाल है त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है बलवन का कार्यकाल बताइए तो देखिए बलवन का कार्यकाल आपका बारह से लेकर सत बारह से लेकर बारह तक माना जाता है बहुत जगह देखेंगे आप तो बारह से छियासठ से लेकर बारह 12... छियासी तक देखने को मिलेगा तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा ऑप्शन आप में आपका जो दिया गया था उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की कुछ खोज किसने की थी तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके दया राम सहनी के द्वारा वर्ष उन्नीस सौ इसी में किया गया था हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है बुनाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यमुना की सहायक नदी बताइए तो यमुना की सहायक नदी आपका चंबल है छोटी सिंधु है बेतवा है और आपका केन है अगला क्वेश्चन था कि तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है तो तमिलनाडु के वर्तमान सीएम आपके एम के स्टैलिन है इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हीरा कु कु कुंड बाँध किस नदी में बनाया गया है तो हीरा कुंड बांध आपके महानदी उड़ीसा राज्य में बनाया गया है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो पाँच जून को मनाया जाता है अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अपना का विलोम क्या होता है तो अपना का विलोम आपका पराया होता है अगला क्वेश्चन था कि दीव सदनीय विधानमंडल कितने राज्य में है तो देखिए छौ राज्य में है कौन कौन से छ राज्य हैं तो आंध्र प्रदेश है तेलंगाना है उत्तर प्रदेश है बिहार है महाराष्ट्र है और आपका कर्नाटक राज्य है अगला आपका अगला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका अट्ठारह सौ पचासी ईस्वी में मुंबई में हुआ था जिसमें आपके बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था अगला क्वेश्चन था कि पहला मुगल शासक कौन था तो पहला मुग़ल शासक यही आपका बाबर था अगला क्वेश्चन था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था तो खानवा का युद्ध आपका पंद्रह ईस्वी में लड़ा गया था मध्य प्रदेश के सीएम कौन हैं तो मोहन यादव हैं अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद इकसठ का संबंध किससे है तो अनुच्छेद इकसठ का संबंध आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग से है इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के सीएम कौन है तो राजस्थान के सीएम आपके भजन लाल शर्मा हैं वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है तो राजस्थान आप में आपके दस संभाग है इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो मतदाता दिवस आपका पच्चीस जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कप दो का खिताब किसने जीता है तो वर्ल्ड कप दो का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है किसको हराकर जीता है तो भारत को हराकर जीता है इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद तिरपन का संबंध किससे है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल लगाने और हटाने का अधिकार रखता है वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है तो अश्वनी वैष्णव है इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था तो चंदेरी का युद्ध आपका पंद्रह में मुगलों और राजपूतों के बीच हुआ था मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है तो मौलिक कर्तव्य का संबंध आपके अनुच्छेद ए से है और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है तो रूस के संविधान से लिया गया है देखिए ये आपका क्वेश्चन दो से तीन बार रिपीट हो चुका है इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन गया था कि भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है अधिकतर तो भारत में काली मिट्टी का विस्तार आपका अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र वाले साइड में कर्नाटक वाले साइड में गुजरात वाले साइड में और आपके मध्य प्रदेश का जो आपका मालवा वाला क्षेत्र है यहां पर हमें काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आम में कौन सा अम्ल होता है तो आम में आपका टर्टरिक अमल होता है अनुच्छेद पैंसठ का संबंध किससे है तो राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्त की स्थिति में या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद दो क्या है तो केंद्र सरकार को उन क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देता है जो भारत का हिस्सा नहीं है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है तो आपके अमित शाह हैं सूर्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है अगला क्वेश्चन था कि डेविस कप का संबंध किससे है तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से है अनुसूचित देखिए अनुसूचित नहीं अनुच्छेद छिहत्तर का संबंध किससे है तो अनुच्छेद छिहत्तर का संबंध आपके भारत के महान्यायवादी से है इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नंद वंश के संस्थापक कौन है तो नंद वंश के संस्थापक आपके महा पदमनंद है इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विष का विलोम क्या होता है तो विष का विलोम आपका अमृत होता है चंद्रमा का परिभासी आपका रजनीश होता है और आपका शशि होता है अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला शोषण अधिनियम कब लागू हुआ था तो देखिए यह आपका जो अधिनियम है इसको 2005 हजार पांच ईस्वी में पारित किया गया था लेकिन लागू की बात करेगा तो इसे आपका 2006 में लागू किया गया था अगला क्वेश्चन था कि हंगरी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है तो भारत की रैंकिंग आपका एक

है, तो अनुच्छेद एक से है तो देखिए आज हमने आपके दस जून से लेकर बारह जून के एग्जाम में जितने भी यानी कि टोटल आपके देखा जाए तो नौ शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और आपके हिंदी के जो हमें मिले थे उसको हमने अच्छे से देखा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं